समटाइम्स ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन है कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, नवनीत जी के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है. आई एम प्लेइंग नाजनीन. नाजनीन जो शौकीन के साथ थ्रू आउट थी, इस बार मैं डेढ़ा गैंग जो है इसमें प्रदीप नागर है और सिद्धांत कपूर है, उन दोनों को मैं ज्वाइन करती हूँ. जितना हो सके लोग जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही रखा गया है इस सीरीज में. सबसे बड़ा भोपाल विदिता ने क्या दिखाया है? मैंने भोकाल दिखाया था अपने डैड के अगेंस्ट, मैंने रिवोल्ट करके. डैड ने बोला था विदिता तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. आई वाज अ गुड स्टूडेंट. फिर मैं घर छोड़ के मुंबई चली गई. तो मुंबई में किस तरह का स्ट्रगल रहा? A4 साइज जो है अपना पोर्टफोलियो जो फोटोज है प्रिंट आउट लेके मैं सबके घर, मतलब सारे स्टूडियोज में जाती थी. मैं ऑडिशंस देती रहती थी, मैं 5 से 10 ऑडिशंस में देती थी. पहले मैं महालक्ष्मी चली जाती थी वहां से, या टाउन में भी कुछ ऑडिशंस होते थे तो वहां से शुरू करके धीरे 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 मैं अंदर ही लौटती थी. तो भी हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा है जो वैसे भी बहुत भोकाल मचाए रहती है और अब लिटरली भोकाल मचाने जा रही है, विदिता हमारे साथ हैं. विदिता खुद ही बता दीजिए इस बार आप क्या भोकाल मचाने वाली हैं और बकायदा भोकाल नाम के साथ. इस बार मैं डबल धमाके के साथ आ रही हूँ. ये है भोकाल 2, MX ओरिजिनल सीरीज भोकाल 2. भोकाल 1 बहुत बड़ी हिट थी, बहुत लोगों ने देखा है. इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अगर क्राइम वेब सीरीज में उसे गिना जाता है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि भोकाल 2 के साथ मैं आ रही हूँ और सब कुछ डबल डबल है इसमें. टू टाइम्स गोलियां भी डबल चलेंगी जी, बिल्कुल. अच्छा, इसमें कहानी जो ट्रेलर से समझ में आ रही है कि पहले पार्ट को ही आगे ले गए हैं जी, तो सही समझाऊं मैं कहानी? थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप दें कि इसमें क्या कुछ हमें और देखने को मिलेगा. देखिए, ये जर्नी जो है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है. आप सब जानते हैं ये नवनीत सिकेरा जो थे हैं, जो उनकी लाइफ पे बेस्ड हैं. तो उन्होंने यूपी जो क्राइम कैपिटल था उस दौरान उसमें लॉ एंड ऑर्डर उसे वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए हैं. तो इसमें जो है फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा लड़ाई नवनीत सिकेरा उनका होता है शौकीन गैंग के साथ. जी, हम देखते हैं कि शौकीन का डेथ हो जाता है. एंड आई एम प्लेइंग नाजनीन. नाजनीन जो शौकीन के साथ थ्रू आउट थी, शौकीन के डेथ के बाद भी वो कोशिश करती है कि शौकीन का जो वो ऑरा है, वो जो जो भोकाल है उसे वो बनाए रखे. यही है. तो विदिता इसमें लेडी डॉन के किरदार में तो नहीं दिखेंगी क्योंकि अब डॉन तो बचा नहीं. काइंड ऑफ. तो भोकाल की मेन विलेन जो है हम विदिता को कह सकते हैं? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा. अच्छा ठीक है, वो देखने के बाद पता चलेगा. लेकिन जाहिर है पहले पार्ट में आप मेन विलेन के साथ थी, अभिमन्यु सिंह के साथ थी. अब आप खुद जो हैं, तो इस बार भोकाल मचाने में कितना मजा आया पहली बार के कंपैरिजन? इस बार तो मैंने शौकीन को बहुत मिस किया. अभिमन्यु सिंह जी ने एकदम कमाल कर दिया था. मैं तो बहुत मिस किया. बट इस बार और सरप्राइज पैकेजेस हैं. इस बार मैं डेढ़ा गैंग जो है इसमें प्रदीप नागर हैं और सिद्धांत कपूर है, उन दोनों को मैं ज्वाइन करती हूँ ताकि मैं भोकाल मचा पाऊं. क्योंकि ये एक शी इज अ लेडी एंड उसका ताकत वो मेंटली मतलब माइंड गेम्स खेलती है. उसे पता है कि शायद मैं लड़ ना पाऊं बट लोगों को मैं इस तरीके से मैं यूज कर सकती हूँ. वो सब है. सबसे खतरनाक वैसे माइंड गेम्स ही सबसे खतरनाक होती हैं आजकल तो वैसे भी. तो अच्छा ये बताइए कि एक मिर्जापुर था या मुजफ्फरनगर है, तो लगा नहीं कि जब इस वेब सीरीज को चूज किया कि भाई लोग वहां से कंपैरिजन करेंगे कि भाई, क्योंकि वो जाहिर है बहुत बड़ी हिट रही भी है, भोकाल भी बहुत बड़ी हिट रही है, लेकिन जब चूज करने की बारी आई तो दिमाग में ये चीज आई नहीं? बिल्कुल नहीं. मिर्जापुर अपने आप में एक एक चीज सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है. बट हमारा है कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, नवनीत जी के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है. और समटाइम्स ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. इसमें हम लोग और भी बहुत चीजें जो नहीं रख पाए क्योंकि वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ना लगे. बट
जितना हो सके लोग जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही रखा गया है इस सीरीज में. बट नवनीत जी से मैं मिली हूँ, उनका लाइफ तो मतलब खतरनाक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आई एम गेटिंग गूज बम्स अभी. मैं वही आपसे पूछने वाला था कि आप मिली, कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उनसे? फर्स्ट सीजन के दौरान मिली थी, सेकंड सीजन में उनकी लड़की भी आई थी हमसे मिलने, उसका भी फिल्मों में थोड़ा इंटरेस्ट है. तो ये बताइए कि नाज़नीन जो है, ये नवनीत सेकेरा की जिंदगी में असली नाज़नीन टाइप का कैरेक्टर भी था या ये सिर्फ आपने क्रिएट किया है? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था. अच्छा बिल्कुल था. तो असली असली नाज़नीन. हाँ नहीं नहीं ऑब्वियसली ऑब्वियसली नाम बदल दिया है तो हाँ. उस किरदार से कोई मुलाकात नहीं, उनसे तो नहीं मिल पाए. उनसे नहीं मिल पाए. अच्छा भौकाल, असल जिंदगी में भी हम सब चाहते हैं कि भैया हमारा भौकाल रहे, और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया वाला भौकाल जो है वो सबसे ज्यादा, और आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी रहती हैं, मुद्दों पे अपनी राय भी आप रखती रहती हैं, तो जिंदगी में मतलब सबसे बड़ा भौकाल विदिता ने क्या दिखाया है? मैंने भौकाल दिखाया था अपने डैड के अगेंस्ट, मैंने रिवोल्ट करके. डैड ने बोला था, विदिता तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि आई वाज अ गुड स्टूडेंट. फिर मैं घर छोड़ के मुंबई चली गई थी, तो उन्हें बहुत खराब लगा था. वो कई साल लगे थे मुझे मनाने में, 5-6 साल लग गए थे, बट अभी मान गए हैं. बट इस दौरान मैंने ये भौकाल दिखाया तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मेरा प्रोफेशन कुछ और ही होता. तो ये जब करते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो कई फैमिलीज होती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड सिनेमा को या वेब सीरीज उतना नहीं समझते, तो कहा नहीं भोकाल जब पहली वाली देखी, अरे क्या ये तुम कर रही हो, गोली वोली चला रही हो, कुछ अच्छा काम करो, कोई अच्छा रोल करो? नहीं, लकीली मैं बंगाली हूँ और मेरे डैड बहुत ओपन माइंडेड है, लिबरल है, और वो जानते हैं, वो खुद एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट था, तो उन्हें काफी अच्छा लगा कि मेरी बेटी अच्छी हिंदी बोल रही है, उर्दू भी बोल रही है. अच्छा अब हाँ जी हाँ 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 तो हाँ. वो काफी प्राउड फील करते हैं अभी. तो एक चीज तो अभी आपने बताई थी कि भाई बचपन में ये हुआ, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि सफर जो है विदिता का एज एन एक्ट्रेस कैसे शुरू हुआ, मतलब एक्टिंग का कीड़ा कब काटा, कि लगा कि नहीं अब तो भाई एक्ट्रेस ही बनना है, और फिर जो है घर वालों से एकदम विद्रोह कर दिया, तो वो शुरुआत जो है वो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे. जी मेरे पापा भले ही गवर्नमेंट जॉब में थे, बट मैं उनको देखती थी कि हर सैटरडे संडे वो उनका एक नुक्कड़ थिएटर एक ग्रुप है वो, जहाँ वो एक्टिंग सिखाते थे बच्चों को, तो मैं देखती थी हर सैटरडे संडे वो बैठ के अलग अलग किरदार जो है वो खुद ही पढ़ते थे. जैसे कोई भी एक किताब उठा लिया, सारे कैरेक्टर्स वो खुद पढ़ते थे, तो मुझे लगता था कि एक इंसान में इतने अलग अलग कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था. वहां से मुझे शायद एक्टिंग का वो कीड़ा काटा मुझे. फिर मैंने भी अपने आप में वो डिस्कवर करना शुरू किया, और बंगाली लोग होते हैं अपने बच्चों को गाना और पेंटिंग ये सब सिखाते हैं, तो क्रिएटिवली मैं बहुत इंक्लाइंड थी, और टाइम आते ही वो एक्टिंग का जो है भूत मुझे पकड़ लिया, और मैंने कहा कि पापा पढ़ाई लिखाई कर ली मैंने, अभी मुझे बस एक्टिंग ही करनी. तो मुंबई में किस तरह का स्ट्रगल रहा, किस तरह से काम मिलना शुरू हुआ? मुंबई का स्ट्रगल क्या होता है, उन दिनों सोशल मीडिया इतना मतलब नहीं था, फेसबुक शुरू हुआ था, ऑरकुट चलता था. ऑरकुट चलता था, यस यस. हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो होते थे, तो मैं A4 साइज जो है अपना पोर्टफोलियो जो फोटोज है प्रिंट आउट लेके मैं सबके घर मतलब सारे स्टूडियोज में जाती थी. मैं ऑडिशंस देती रहती थी, मैं 5-10 ऑडिशंस में देती थी. पहले मैं महालक्ष्मी चली जाती थी वहां से, या टाउन में भी कुछ ऑडिशंस होते थे, तो वहां से शुरू करके धीरे 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 मैं अंधेरी लौटती थी. ऐसा था मेरा जर्नी. तो सुबह खाना वाना बना के मैं निकल जाती थी. पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है, मुंबई का स्ट्रगल तो है ही, घर के साथ मेरा स्ट्रगल ज्यादा था, घर वालों को. फिल्म जी, आपने फिल्में भी की, वेब सीरीज भी अब आप कर रही हैं, तो दोनों में अगर एक चूज करना हो, फिल्म चूज करेंगी वेब सीरीज चूज करेंगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है. आप पूछेंगे माँ को चुनना है या पापा को चुनना है, मैं कैसे बताऊं? स्टिल हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपने दोनों में काम किया है, तो किसी हम एक्टर्स के लिए जिन्हें बड़े फिल्मों में उस तरीके से मौका नहीं मिलता है, हम आउटसाइडर्स हैं, ये मानना पड़ेगा हमें. तो हमारे लिए जो है OTT प्लेटफॉर्म, स्पेशली MX Player जैसे प्लेटफॉर्म, हमारे लिए बहुत एक विंडो खोल दिया है.
हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, हमें बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, हमें मूवी माफियाज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, हम अपना काम करते हैं, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं और टाइम पे रिलीज भी हो जाते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, सिनेमा हॉल से फिल्म उतार नहीं दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी अपने फोन से देख सकते हैं अपने टाइम पे अपने कन्वीनियंस पे, यही है, बहुत फायदा है। हाँ, आपको लगता है कि जो अब ओटीटी आया है तो कहीं ना कहीं ऐसे किरदार जो अगर फिल्मों में आते थे तो अच्छी एक्टिंग के बावजूद गुम हो जाते थे, लेकिन ओटीटी आने से वो किरदार जिनका रोल भले ही छोटा होता है लेकिन वो भी चमक जाते हैं, छा जाते हैं। जब फैमिली मैन 2 में हमने वो चेल्लम सर देखे कितना हाँ। फेमस हो गए जबकि उनके कोई रोल्स नहीं थे ज्यादा, बहुत कुछ उसमें डायलॉग नहीं थे, तो मानती हैं आप इस बात को? जी बिल्कुल मानती हूँ, और उसमें मीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे अपने अपने ऊपर सब अपने ऊपर सबसे मजेदार मीम कौन सा आपने अब तक देखा? भोकल 1 में मैंने देखा था, मैंने बहुत अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, बट बहुत गालियां दी थी मैंने उसके मीम्स बने थे ढेर सारे, तो वैसे लेकिन अपने ऊपर जब मीम्स मिल जाएगा जी, क्योंकि वो मैं उसे बोल के ना मैं मजा नहीं खराब करना चाहती हूँ, इतने अच्छे से वो बनाते हैं ना मीम बनाने वाले। मतलब मैं तो कई एक्टर से बात होती है तो वो कहते हैं कि यार कैरेक्टर की जो सक्सेस है उसका पैमाना ही इस बात से पता चलता है कि मीम्स कितने बने। हाँ क्योंकि हाँ वही, और हमारे शो के जो राइटर्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लाइंस ढूंढ के निकाले हैं या कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा है। अच्छा बॉलीवुड में अगर जाना हो जाए है ही आप, मतलब एंटरटेनमेंट भले आप कहें आउटसाइडर हैं, मूवी माफिया ये सब तो मतलब हम सब जानते हैं कि ये सब रहता है हमेशा, रहेगा हमेशा। हाँ। तो अगर कौन सा ऐसा हीरो है जिसकी हीरोइन जो है विदिता सबसे पहले बनना चाहेंगी कि मतलब ये मेरा ड्रीम हीरो है? ऐसा कोई नहीं है, मुझे सब पसंद है। मोहित रैना इसमें देखिए ना कितना, ही इज सो हैंडसम, ही इज सच अ गुड एक्टर, बट उनके साथ मतलब मैं एक्टिंग नहीं कर पाई हूँ इस सीरीज में, हमेशा बातें होती रहती है, बट उनके साथ मैं काम करना चाहूंगी, वो भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मोहित के साथ कोई सीन नहीं है आपका इसमें? नहीं नहीं है। ये तो मतलब मिले हैं, सेम फ्रेम में नहीं है, बट सेम फ्रेम में नहीं है ना, मिलेंगे मतलब ये तो मैं मतलब बहुत ही वैसी वाली बात हो गई कि एक लड़की वेब सीरीज में मोहित रैना के साथ काम कर रही है और उसमें भी एक सीन नहीं है, तो ये तो बड़ी जो है ज्यादती आपके राइटर्स नहीं है ना, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, कई बार कुछ चीजें लॉजिक से परे भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, लॉजिक को फॉलो किया गया है, लॉजिक को फॉलो किया गया राइटर। अच्छा, मैंने बोला था एक दो सीन डाल दीजिए लेकिन उन्होंने सुनी नहीं आपकी। सच्चाई के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते। अच्छा आप विदिता सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ एक्टिव खूब रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा है नुकसान ज्यादा? वही बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के फायदे है या नुकसान है, आजकल तो क्या होता है कुछ भी लिख देते हैं आपको ट्रोल कर दिया जाता है, मतलब वो उसका कोई और कमेंट बॉक्स अगर पढ़ लो तो उसमें ऐसे ऐसे एंगल्स होते हैं जो आप अगले 10 साल में भी सोच नहीं पाओगे कि ये लाइन मैंने इस एंगल को सोच के लिखी थी। तो ट्रोलर्स विदिता पे कोई असर डालते हैं या इग्नोर करके निकल जाती है? पहले डालते थे, हाँ ट्रोलर्स पहले मुझे बहुत ट्रिगर करते थे, फिर मैंने देखा कि शायद ये कमी मुझ में ही है, मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तो जब मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया तो ट्रोलर्स अब मुझे ट्रिगर नहीं कर पाते, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने देते हैं, मैं इग्नोर मारती हूँ, ऐसा है, और अगर लगे कि कुछ चीजों का रिप्लाई देना है तो मैं दे देती हूँ। जी जी जी। अब आखिर में एक ऐसा भौकाल जो अभी आप मचाना चाहती हैं, अब भौकाल 2 का नाम मत लीजिएगा, वो भौकाल ऑलरेडी मच जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसा भौकाल जो आप मचाना चाहती? भौकाल 3 वाह
ये तो चलता रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि भाई आपका भौकाल जो है वो कायम रहे और इस बार भौकाल वन के मुकाबले भौकाल ज्यादा जमे और हम वेब सीरीज देखेंगे भी और उम्मीद करते हैं कि शानदार कंटेंट इसमें होगा और शानदार एक्टिंग आपकी हमें देखने को मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट विदिता। ABP News आपको रखे आगे।